हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसे आप सबको पता है कि मॉनसून आ चुके, तो मॉनसून में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी कार के वाइपर्स। तो आज हम चेंज करेंगे अपनी कार का ड्राइवर साइड वाला वाइपर। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ इसकी कंडीशन। देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी साफ नहीं कर रहा है अच्छे से। ये अंदर से भी आप देख सकते हैं, पल्ली साइड वाला बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन ये स्क्रीन को ज्यादा गंदी कर रहा है। तो सबसे पहले करते हैं हम इसे रिमूव। तो सबसे पहले आपने इसे उठा लेना है इस टाइप से, उसके बाद यहाँ पे एक क्लिप होती है उसको दबाना है आपने, ये वाली क्लिप, ये वाली क्लिप पे गाइस, यहाँ पे एक ये इसके नीचे इसको दबाना है आपने, इसको दबा के आपने इसको नीचे पुश कर देना है और ये इस वाले होल से आपने इसे बाहर निकाल लेना है। अब मैं दिखाता हूँ आपको गाइस नया वाइपर। तो ये गाइस बॉश का 21 इंचेस का नया वाला वाइपर जिसे हम इसे इंस्टॉल करेंगे। सो गाइस, ये नया वाला वाइपर, और इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने इसे सीधा पकड़ना है जहाँ पे बॉश लिखा है, और इस वाले क्लिप को आगे की तरफ पुश करना है इस टाइप से, और इस वाले गैप से आपने इसमें डालना है, इस वाले गैप से, और उसके बाद इस टाइप से ऊपर को खींच देना है और ये लॉक हो जाएगा। देख सकते हैं आप गाइस, ये लॉक हो चुका है। सो फाइनली गाइज, डाल दिया हमने नया वाला वाइपर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से वो क्लीन कर रहा है। तो गाइज, देख सकते हैं आप, बाहर से भी विंडशील्ड बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो यही था आज की वीडियो में। बाकी अगर आपको परचेज करने है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इन्हीं सेम वाइपर्स का। Thank you for watching guys. Bye.